Hello friends, welcome back to the industrial engineering course on the platform TechUGate classes. My name is Krishan Kumar Gupta. Last two lectures में हमने break even analysis complete कर लिया है. अगर आप लोगों ने break even analysis नहीं study किया है तो आप playlist में जाके वो lectures देख सकते हैं. Okay, now this is lecture number 3, inventory part 1. हम इस lecture में inventory start करने जा रहे हैं, lecture number 3 में. Okay, जब भी इन्वेंट्री आपके माइंड में आता है तो आपको एक इमेज बनती है इस तरह की. इन्वेंट्री जब भी आप शब्द सुनते हो मतलब गोडाउन टाइप, राइट, या फिर इस तरह से कि आपने कहीं पे कुछ प्रोडक्ट को रख रखा है, राइट. दिस इज टाइप ऑफ दिस इज इन्वेंट्री. इन्वेंट्री थोड़ा समझ लेते हैं होता क्या है. मान लीजिए आपके पास एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है, राइट. उस ऑर्गेनाइजेशन में आपके एट ए टाइम आपके पास जो भी प्रोडक्ट हैं, जो भी कंपोनेंट्स हैं, वो इन्वेंट्री कहलाते हैं. अब क्या है, वो रॉ मटेरियल में की फॉर्म में हो सकते हैं या फिर मशीन पे इस समय प्रोडक्ट काम चल रहा है उस पर, वो भी इन्वेंट्री है. कुछ फिनिश हो चुके हैं प्रोडक्ट, वो इन्वेंट्री है. कुछ पैकिंग की फॉर्म में रखे हुए हैं, अभी मार्केट के लिए डिस्पैच नहीं हुए हैं, वो भी इन्वेंट्री है. या फिर टूल्स वगैरह मशीन ठीक करने के लिए, दैट आर आल्सो इन्वेंट्री. ओके, इन्वेंट्री की क्लासिफिकेशन समझ लेते हैं. फर्स्ट इज रॉ मटेरियल कंपोनेंट. ओके, जो भी रॉ मटेरियल है दैट इज आल्सो इन्वेंट्री. जैसे एग्जांपल लें, अ कंपनी दैट मेक्स टी शर्ट हैज कंपोनेंट दैट इंक्लूड फैब्रिक, थ्रेड, डाई, प्रिंट, डिजाइन. एक कंपनी है जो टी शर्ट डिजाइन करती है, उसमें जो फैब्रिक हो गया, थ्रेड हो गए, डाइज हो गए, प्रिंट डिजाइन हो गए, ये सब इसके लिए क्या हो गया, रॉ मटेरियल हो गया इसके लिए, राइट. सेकंड है वर्क इन प्रोग्रेस. अब इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं. अ सेल फोन कंसिस्ट ऑफ अ केस, अ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड एंड कंपोनेंट. द प्रोसेस ऑफ असेंबलिंग द पीसेस एट डेडिकेटेड वर्क स्टेशन इज वर्क इन प्रोग्रेस. मतलब जो वर्क स्टेशन असेंबली लाइन में जो भी काम चल रहा है, जो भी प्रोडक्ट्स हैं आपके जो असेंबली लाइन में रखे हुए हैं, आप समझ लो. जैसे अगर हम मैकेनिकल की मैकेनिकल इंजीनियर है तो हम थोड़ा लेस वगैरह से रिलेटेड अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए लेथ पे जो प्रोडक्ट चल रहा है या फिर ग्राइंडिंग मशीन पे है, राइट. पहले वो लेथ मशीन पे हुआ, फिर ग्राइंडिंग मशीन पे गया, लेकिन वो प्रोडक्ट क्या है, अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, राइट. तो वो हो गया हमारा इन्वेंट्री, बट उसका नाम क्या बोलेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री. ओके, नेक्स्ट इज एमआरओ गुड्स. एमआरओ गुड्स क्या होते हैं, एम फॉर मेंटेनेंस, आर फॉर रिपेयर एंड ओ फॉर ऑपरेशन. मतलब मेंटेनेंस, रिपेयर और ऑपरेशन के लिए जो भी आपको कंपोनेंट टूल्स यूज करते हो वो आते हैं एमआरओ गुड्स इन्वेंट्री में. जैसे आप स्क्रू ड्राइवर यूज कर रहे हो, प्लायर यूज कर रहे हो, रिंच यूज कर रहे हो, ओके, दैट ऑल केम इन एमआरओ गुड्स. ओके, नेक्स्ट इज फिनिश गुड्स. फिनिश गुड्स कौन से हैं, फिनिश गुड्स आर आइटम दैट आर रेडी टू सेल. आप रेडी टू सेल है लेकिन वो अभी आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही रखे हुए हैं, तो वो आपके आएंगे फिनिश गुड इन्वेंट्री में. क्लियर है. ओके, नेक्स्ट इज एंटीसिपेटेड और स्मूथिंग इन्वेंट्री. एंटीसिपेटेड इन्वेंट्री क्या होती है फ्रेंड्स, मान लीजिए अभी विंटर टाइम चल रहा है, कंसिडर. ओके, अभी आपको पता है कि समर में कूलर की रिक्वायरमेंट आएगी, तो आप क्या करोगे, कूलर को पहले से ही अपने पास खरीद के रख लोगे, दैट इज एंटीसिपेटेड इन्वेंट्री. ओके, फॉर एग्जांपल इसमें एग्जांपल क्या लिखा रखा है, एन इवेंट प्लानर बाय डिस्काउंटेड स्पूल्स ऑफ रिबन एंड फ्लोरल टेबल क्लॉथ इन एंटीसिपेशन ऑफ जून वेडिंग सीजन. मतलब जो प्लानर है, इवेंट प्लानर है, उसको पता है कि जून वेडिंग, जून के टाइम पे वेडिंग सीजन होता है और वहां पे मेरे को काफी डिमांड आने वाली है चीज की रिबन की, जो स्पूल्स ऑफ रिबन होते हैं और जो टेबल क्लॉथ यूज करते हैं, तो उसलिए वो पहले से ही बाय करके रख लेगा. दिस इज कॉल्ड एंटीसिपेटेड और स्मूथिंग इन्वेंट्री. नेक्स्ट इज ट्रांजिट इन्वेंट्री. ट्रांजिट इन्वेंट्री क्या होता है, मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट को ऑर्डर कर दिया है, राइट, और अब वहां से जहां पे भी आपने ऑर्डर किया वो वहां से डिस्पैच हो गया है, अब वो रास्ते में ट्रांसपोर्टेशन में है, तो वो उसे कहते हैं ट्रांजिट इन्वेंट्री.
मतलब वो रास्ते में आपके पास पहुंचा नहीं, लेकिन वो है आपका ही प्रोडक्ट, उसको हम बोलते हैं ट्रांजिट इन्वेंट्री। जैसे इन्होंने लिखा है, एन आर्ट स्टोर ऑर्डर्स एंड पेज फॉर 40 टिन्स ऑफ पॉपुलर पेंसिल सेट, द टिन्स आर एन रूट फ्रॉम द सप्लायर एंड देयर फॉर इन ट्रांजिट। मतलब 40 टिन ऑफ पॉपुलर पेंसिल सेट के उन्होंने ऑर्डर कर दिए हैं, लेकिन वो रास्ते में है, ऑन द रूट है, ओके, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रांजिट इन्वेंट्री। नेक्स्ट इज सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक क्या होता है? देखिए, इन्वेंट्री और सेफ्टी स्टॉक का थोड़ा सा डिफरेंस है। इन्वेंट्री आपकी, आपके पास जो भी प्रोडक्ट रखे हैं वो आपकी इन्वेंट्री है, पर सेफ्टी स्टॉक है, आपने एक मान लीजिए एकदम से डिमांड बढ़ गई, राइट, तो उस केस में आप क्या करोगे, जिस सेफ्टी स्टॉक में आपके पास मटेरियल रखा है आप उसको यूज करोगे, ठीक है। इन्वेंट्री क्या है, जो दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं। आप कम कुछ कम प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट को बनाने के लिए ऐसा तो नहीं कि आप हाथ के हाथ मार्केट से कुछ चीज बाय करेंगे और हाथ के हाथ उसको मशीन पे वो करेंगे, रनिंग करा देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आप पहले से प्रोडक्ट को बाय करके रखते हैं और फिर वो उसको यूज करते हैं मशीन पे, लेकिन आपने क्या कर रखा है, जितना रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा आपने बाय करके रखा है, क्योंकि आपको डर है कि ऐसा ना हो जाए कि मार्केट में स्ट्राइक हो जाए, बहुत टाइम लग जाए आने में प्रोडक्ट, या फिर एकदम से मेरी डिमांड बढ़ जाए तो मेरे को जल्दी, मैं ऐसा नहीं होनी चाहिए, मैं मशीन बंद नहीं होनी चाहिए, आप मतलब इस चीज से डर रहे हैं कि आप मशीन बंद नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आपने सेफ्टी में कुछ स्टॉक पहले से बाय करके रखा है, दिस इज कॉल्ड सेफ्टी स्टॉक, ठीक है, इट इज सरप्लस आइटम। यहां तक क्लियर है? ओके, अब इन्वेंट्री में क्या होता है, कुछ कॉस्ट होती है, आपने इन्वेंट्री तो रख ली, लेकिन उसको इन्वेंट्री को रखने के लिए कुछ कॉस्ट लगती है, कौन कौन सी कॉस्ट इन्वॉल्व है इन्वेंट्री में? हम ब्रॉडली क्लासिफाई करें, चार तरह की कॉस्ट होती है, ओके, चार तरह से, फोर टाइप्स ऑफ कॉस्ट आर इन्वॉल्व इन इन्वेंट्री। ओके, समझ लेते हैं कौन कौन सी कॉस्ट है। पहली कॉस्ट है आपकी परचेज कॉस्ट, सेकंड है ऑर्डरिंग कॉस्ट, या फिर सेटअप कॉस्ट। थर्ड वन इज होल्डिंग कॉस्ट, और कैरिंग कॉस्ट। एंड फोर्थ वन इज, लास्ट वन इज शॉर्टेज कॉस्ट। अब ये करके सारी कॉस्ट समझ लेते हैं। देखिए, परचेज कॉस्ट क्या होती है, आपने कोई भी प्रोडक्ट परचेज किया है, मान लीजिए आपने इन्वेंट्री को, आप लेथ पे काम कर रहे हैं, ओके, आयरन की सॉलिड रॉड है, आपने सॉलिड रॉड परचेज कर ली, अब परचेजिंग कॉस्ट क्या होगी, मान लीजिए वो रॉड का जो प्राइस है वो 100 रुपीज पर केजी है, ओके, तो दिस इज परचेज कॉस्ट, मीन्स इट इज द कॉस्ट ऑफ यूनिट, वन यूनिट की कॉस्ट है ये परचेज कॉस्ट, ओके।
ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है? ऑर्डरिंग कॉस्ट आपने ऑर्डर किया, ओके, तो उस ऑर्डर में जो ऑर्डर करने की जो कॉस्ट लगेगी, मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो सकती है उसके अंदर इन्वॉल्व, राइट। तो एक ऑर्डर की जो कॉस्ट है दैट इज कॉल्ड ऑर्डरिंग कॉस्ट, इसके अंदर आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन्वॉल्व होगी। परचेज डिपार्टमेंट की कॉस्ट इन्वॉल्व होगी, परचेज डिपार्टमेंट की सैलरी है उसकी वो कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाएगी इसके अंदर, राइट। या फिर सेटअप कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट क्या होता है, मान लीजिए आप ऑर्डर नहीं कर रहे, आप रॉ मटेरियल को भी बना रहे, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, खुद ही रॉ मटेरियल को भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, जितनी भी आपको इन्वेंट्री की जरूरत है आप एक बार में उसको मैन्युफैक्चर कर लेते हैं। तो सेटअप कॉस्ट क्या है, मशीन को सेटअप करना, लेबर कॉस्ट उसके अंदर, और जो भी उसको बनाने में कॉस्ट जा रही है रॉ मटेरियल को, दैट इज सेटअप कॉस्ट, ओके। नेक्स्ट इज होल्डिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। आपने ऑर्डर कर दिया ट्रांसपोर्टेशन से, आपके पास इन्वेंट्री आ गई, लेकिन आप उस इन्वेंट्री को आप होल्ड करोगे, कैरी करोगे, राइट, उस इन्वेंट्री को होल्ड कैरी करोगे, तो क्या इसमें कौन कौन सी कॉस्ट आ जाएंगी, इसके अंदर आपकी जिस स्पेस में आप इसको होल्ड करोगे, स्पेस का रेंट चाहिए, वो रेंट आ जाएगा, राइट। मान लीजिए आप उसका इंश्योरेंस करा देते हो प्रोडक्ट का, इंश्योरेंस कॉस्ट आ जाएगी, ओके। उसके लिए आप सिक्योरिटी गार्ड अपॉइंट करते हो सेफ्टी के लिए, उसकी सैलरी आ जाएगी इसके अंदर, राइट। अब नेक्स्ट इज शॉर्टेज कॉस्ट। अब शॉर्टेज कॉस्ट क्या होता है, देखिए शॉर्टेज कॉस्ट क्या है कि आपने आपके आप एक ऑर्गेनाइजेशन में है और आपके पास ऑर्डर आया 100 kg प्रोडक्ट का, आपके पास है 90 kg, तो 10 kg की आपके पास क्या हो गई, शॉर्टेज हो गई। तो अब ये कॉस्ट आपके ऊपर क्यों इन्वॉल्व मैटर करती है, देखिए इससे फर्क क्या पड़ता है, आपके पास अगर 10 kg और होता तो आप एक तो 10 kg का प्रॉफिट अर्न कर लेते, राइट, इसलिए शॉर्टेज कॉस्ट आपके ऊपर इन्वॉल्व, मतलब ये ऐड होती है प्रोडक्ट। दूसरा अब क्या है, कस्टमर कहेगा, मान लो कस्टमर को 100 kg ही चाहिए, तो कहेगा मैं 90 kg आपसे खरीदूं, 10 kg किसी और से खरीदूं, इससे बेटर है कि मैं 100 kg किसी और से ही खरीद लूंगा, तो आपको 10 kg का जो पोटेंशियल लॉस हुआ वो तो हुआ ही हुआ, बल्कि साथ में 90 kg का भी लॉस हो गया आपको, 90 kg जो प्रॉफिट मिलने वाला था, राइट। तीसरा क्या इफेक्ट पड़ा इससे, नेगेटिव इफेक्ट क्या पड़ा, कस्टमर तीसरी अगली बार क्या सोचेगा, यार उसके पास ढंग से पूरा माल मिलता नहीं है, तो मैं ऐसा करता हूँ दूसरी शॉप पे चला जाता हूँ, वो आपके शॉप पे ही नहीं आएगा, राइट। तो ये शॉर्टेज कॉस्ट होती है, ओके। परचेज कॉस्ट अगर मैं निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, परचेज कॉस्ट हमें निकालनी है तो कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ यूनिट्स, आप कितनी यूनिट्स परचेज कर रहे हैं, इनटू कॉस्ट ऑफ वन यूनिट, ओके, दिस इज परचेज कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट और सेटअप कॉस्ट इसको कैसे निकालेंगे हम, इसको हम निकालेंगे नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू कॉस्ट ऑफ वन ऑर्डर, मतलब क्या हुआ कि एक पूरे कंसीडर आप एक साल की बात कर रहे हो, तो एक साल में आपने कितनी बार ऑर्डर किया और एक ऑर्डर करने की कॉस्ट कितनी थी, ठीक है। और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो अपने रॉ मटेरियल को खुद ही, सेटअप कॉस्ट की बात करो तो यहां पे आ जाएगा नंबर ऑफ सेटअप्स इनटू कॉस्ट
पर यूनिट सेटअप, एक बार सेटअप करने की कॉस्ट कितनी थी, राइट। अब एवरेज इन्वेंट्री निकालना है आपको, एवरेज इन्वेंट्री सॉरी होल्डिंग कॉस्ट निकालना है। होल्डिंग कॉस्ट क्या होता है, एवरेज इन्वेंट्री फॉर ए पीरियड, एवरेज इन्वेंट्री फॉर अ पीरियड इनटू में होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट, पर यूनिट टाइम, ओके। एक यूनिट और पर यूनिट टाइम की जो होल्डिंग कॉस्ट है उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे एवरेज इन्वेंट्री कितने पीरियड के लिए आपसे पूछा गया, ओके। नाउ शॉर्टेज कॉस्ट कैसे निकालोगे, शॉर्टेज कॉस्ट नंबर, नंबर ऑफ यूनिट शॉर्ट्स, कितनी यूनिट शॉर्ट्स हुई है इनटू में शॉर्टेज कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट की शॉर्टेज कॉस्ट कितनी है, ओके। दिस इज शॉर्टेज कॉस्ट, ओके। एंड इसमें अभी हम कुछ टर्म्स पढ़ लेते हैं, टर्मिनोलॉजी है। ओके, फर्स्ट क्या है, रीऑर्डर पॉइंट, रीऑर्डर पॉइंट क्या होता है, देखिए रीऑर्डर पॉइंट क्या है, क्या होता है, कंसीडर आपके पास 100 केजी इन्वेंट्री है, अब आपने उस पर कंज्यूम करना शुरू कर दिया, राइट। अब वो रहेगी 10 केजी, तो अब आपने क्या किया, 10 केजी जैसे ही आपके 10 केजी हुई तो आपने एक ऑर्डर, नया ऑर्डर प्लेस कर दिया मार्केट में, ठीक है। तो 10 ऑर्डर, 10 केजी क्या हो गया, आपके पास री ऑर्डर पॉइंट हो गया, ओके। ये कौन सा पॉइंट होता है, एट विच यू प्लेस अ न्यू ऑर्डर, ओके। जिस पॉइंट पे आप नया ऑर्डर प्लेस करते हो उसे हम बोलते हैं री ऑर्डर पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है लीड टाइम। अब लीड टाइम क्या है, मान लीजिए आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, लेकिन ये तो है नहीं कि आपने अभी ऑर्डर प्लेस किया और अभी आपके पास मार्केट वो आपकी कंपनी में माल आ जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो क्या होगा कि कुछ टाइम लगेगा उसको आने में, ऑर्डर करने के बाद आपके पास आने में कुछ टाइम लगेगा, जो जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं लीड टाइम, ओके। इट इज द टाइम गैप बिटवीन ऑर्डर प्लेस एंड इन हैंड इन्वेंट्री, आपके पास आने में जितना टाइम लगता है इसको बोलते हैं लीड टाइम। थर्ड इज री ऑर्डर क्वांटिटी, ये क्या होता है रीऑर्डर क्वांटिटी, इट इज द अमाउंट ऑफ क्वांटिटी यू ऑर्डर व्हाइल प्लेसिंग अ न्यू ऑर्डर। जब भी आप नया ऑर्डर प्लेस करते हो तो उस टाइम जितना अमाउंट ऑफ क्वांटिटी आप ऑर्डर करते हो उसको बोलते हैं रीऑर्डर क्वांटिटी। क्वांटिटी placed while new order,
ओके, ये हो गई कुछ टर्म्स। चलिए अब आगे समझते हैं। ओके नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स, इन्वेंट्री मॉडल, इन्वेंट्री मॉडल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक है वो समझ लेते हैं पहले। ओके फर्स्ट है हमारे पास डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इन्वेंट्री। देखिए समझते हैं इनको क्या होता है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इन्वेंट्री क्या होता है। देखिए डिपेंडेंट इन्वेंट्री क्या है, कंसीडर आप एक कार मैन्युफैक्चरर हैं, ओके आपको पता है आपके पास 100 कार का ऑर्डर आने वाला है, राइट। एक कार में 5 टायर लगते हैं, ये 4 टायर और 5वीं स्टेपनी। तो आप क्या करोगे, 500 टायर पहले से आप ऑर्डर कर लोगे, इन्वेंट्री में ले लोगे। दिस इज डिपेंडेंट इन्वेंट्री, जो कि टायर जो है वो डिपेंडेंट इन्वेंट्री है, जो कि डिपेंड कर रहा है कार के ऊपर, नंबर ऑफ कार्स के ऊपर। ओके तो एक एग्जांपल इसमें लिख ही लेते हैं। टायर डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ कार, तो इफ 100 कार ऑर्डर इज प्लेस्ड यू रिक्वायर, कितने टायर रिक्वायरमेंट है 500। ओके तो दिस इज डिपेंडेंट इन्वेंट्री, जो कि हम दूसरे से फाइंड करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि अच्छा कार की रिक्वायरमेंट इतनी आ रही है तो ठीक है हम इतनी टायर ऑर्डर कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट इन्वेंट्री। इंडिपेंडेंट इन्वेंट्री क्या है, जो दूसरे प्रोडक्ट पर डिपेंड नहीं करती, जैसे कार ही है इस केस में, तो कार इस चीज पर डिपेंड नहीं कर रही किसी और प्रोडक्ट पे, तो कार जो हो गई दैट इज इंडिपेंडेंट इन्वेंट्री। ओके तो यहाँ पे अब जो टायर है मेंशन कर लेते हैं, यहाँ पे टायर जो है वो हमारी डिपेंडेंट इन्वेंट्री है, इसको यहीं से मैच कर लेते हैं, और जो कार है, कार है वो हमारी इंडिपेंडेंट इन्वेंट्री। अब इंडिपेंडेंट इन्वेंट्री की रिक्वायरमेंट कैसे फाइंड करते हैं, इसको हम फोरकास्टिंग से फाइंड करते हैं, हम फोरकास्टिंग मेथड आगे पढ़ेंगे जाके, राइट। तो फोरकास्टिंग करके हम फाइंड करते हैं कि कितनी अब हम कार की रिक्वायरमेंट आने वाली है डिपेंडिंग ऑन द प्रीवियस हिस्ट्री, राइट, और सम न्यू एडवेंचर और सम न्यू साइंटिफिक न्यूज और समथिंग डिपेंडेंट ऑन दैट। ओके तो जो इंडिपेंडेंट इन्वेंट्री है वो हम फोरकास्टिंग की हेल्प से फाइंड करते हैं उसकी रिक्वायरमेंट, और डिपेंडेंट इन्वेंट्री हम डिपेंड करता है उसकी हेल्प से फाइंड करते हैं कितना हमें ऑर्डर करना है। ओके सेकंड टाइप सेकंड कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं इसमें क्या है। ओके सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है इन्वेंटरी रिव्यू सिस्टम, इन्वेंटरी रिव्यू सिस्टम। ओके इसको अगर हम डिवाइड करें टू पार्ट में, इसको डिवाइड करते हैं, इस वन इज क्यू सिस्टम, क्यू सिस्टम बोलते हैं,
इसको हम पी सिस्टम बोलते हैं। क्यू सिस्टम क्या होता है, इट इज कॉल्ड फिक्स्ड ऑर्डर सिस्टम। और पी सिस्टम होता है फिक्स्ड पीरियड सिस्टम। देखिए समझ लेते हैं इनको क्या होता है। ये जो फिक्स्ड ऑर्डर सिस्टम क्या है फ्रेंड्स, फिक्स्ड ऑर्डर सिस्टम है कि आपने एक अमाउंट ऑफ ऑर्डर के बाद, मतलब मान लीजिए जैसे हमने लास्ट एग्जांपल लिया था रीऑर्डर पॉइंट पे कि 100 केजी आपका ऑर्डर था, इन्वेंट्री था, जैसे ही 10 केजी रह गया आपने नया ऑर्डर प्लेस किया। तो फिक्स्ड ऑर्डर सिस्टम है वो कि आपने जैसे ही 10 केजी रह जाएगा वैसे ही आप नया ऑर्डर प्लेस करेंगे, ठीक है। और फिक्स्ड पीरियड सिस्टम क्या है कि आपको हर महीने ऑर्डर करना है तो आप हर महीने की फर्स्ट डेट को आप नया ऑर्डर प्लेस करते हो, राइट। आप ये नहीं देखते आपके पास कितना इन्वेंट्री बचा है कितना नहीं बचा, आप सीधे मंथ की फर्स्ट डेट को जाते हो और नया ऑर्डर प्लेस कर देते हो। दिस इज कॉल्ड फिक्स्ड पीरियड सिस्टम, ओके। दिस इज कॉल्ड फिक्स्ड पीरियड सिस्टम। क्यू सिस्टम में क्या होता है, क्यू सिस्टम में साइज ऑफ ऑर्डर है वो फिक्स रहेगा, साइज ऑफ ऑर्डर इज फिक्स्ड बट टाइम में भी वेरिएबल। आपको किस टाइम करना है वो वेरिएबल हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द कंजम्पशन ऑफ द प्रोडक्ट, ओके। साइज ऑफ ऑर्डर फिक्स्ड है कि आपको हाँ इतना जैसी अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री आपके पास बचा है आप नया ऑर्डर प्लेस कर देंगे। पी सिस्टम में क्या है, साइज ऑफ ऑर्डर में भी वेरी, यहाँ पे साइज ऑफ ऑर्डर वेरी कर सकता है। बट टाइम पीरियड विल बी फिक्स्ड। इस केस में क्या है, मान लीजिए जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि हम मंथ की फर्स्ट डेट को नया ऑर्डर प्लेस करेंगे, ओके। आप फर्स्ट जनवरी को आए, आपने देखा ओके मेरे पास 20 क्वांटिटी बची है और मेरे पास 100 होनी चाहिए थी तो मैं अब 80 क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ। अब आप फर्स्ट फेब को आए नेक्स्ट मंथ, टाइम पीरियड विल बी फिक्स, ओके। आप फर्स्ट फेब को आए, फर्स्ट फेब को आपने देखा 10 क्वांटिटी आपके पास बची है तो आपने क्या किया, नया ऑर्डर 90 क्वांटिटी का प्लेस कर दिया क्योंकि आपके पास 100 क्वांटिटी आपको है कि 100 क्वांटिटी आपके पास रहनी चाहिए हर वक्त, राइट। अब आप फर्स्ट मार्च को आए, आपके पास 50 क्वांटिटी बची थी तो आपने 50 क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस कर दिया। इस तरीके से ऑर्डर क्वांटिटी में वेरी लेकिन जो टाइम पीरियड है वो फिक्स रहेगा इसमें, राइट। और इन दोनों को मिला के फ्रेंड्स एक नया सिस्टम बनता है, इसको हम बोलते हैं एसएस सिस्टम। इन दोनों को मिला के एक नया सिस्टम बना है, इसको बोलते हैं हम एसएस सिस्टम। दिस इज ऑप्टिमम सिस्टम, ऑप्टिमम प्लान, ऑप्टिमम सिस्टम है ये। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, ओके। सिस्टम का एग्जांपल ले लेते हैं, सिस्टम है मान लीजिए कोई आपका है रीऑर्डर पॉइंट है किसी सिस्टम के अंदर 100 यूनिट्स का, ओके। और रीऑर्डर पीरियड, जो पीरियड है वो है 1 मंथ का, ओके। अगर आपकी फास्ट कंजम्पशन हो रही है इसमें हम दोनों को फॉलो करेंगे, पी सिस्टम को ही फॉलो करेंगे, एस सिस्टम क्यू सिस्टम को ही फॉलो करेंगे। अगर आपकी फास्ट कंजम्पशन होगा तो क्या होगा, आपका जो प्रोडक्ट है वो जल्दी जल्दी कंजम्पशन होने लग गया, मतलब आपका रीऑर्डर पॉइंट जल्दी आ जाएगा। मान लीजिए आपके 500 यूनिट थी, आपको फास्ट कंजम्पशन होगा 100 यूनिट जल्दी आपके 100 यूनिट रह जाएंगी, उस केस में क्या होगा, आप कौन सा सिस्टम फॉलो करोगे, क्यू सिस्टम फॉलो करोगे आप। यही रीऑर्डर पॉइंट आया आपने नया ऑर्डर प्लेस कर दिया। और अगर स्लो कंजम्पशन हो रही है, स्लो कंजम्पशन हो रही है
मतलब कंजम्पशन बहुत स्लो है, तो आपका क्या है जो पीरियड है वो वन मंथ पहले खत्म हो गया, आपका रीऑर्डर पीरियड पहले आ गया। ओके, रीऑर्डर पीरियड पहले आ गया, आपका वन मंथ कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी आपके पास 100 यूनिट से भी ज्यादा है, तो आप क्या करोगे, जैसे रीऑर्डर पीरियड आया आप एक नया ऑर्डर प्लेस कर दोगे डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी, कितनी आपकी क्वांटिटी आपके बची है उसके हिसाब से नया ऑर्डर आप प्लेस कर दोगे। तो ये अगर स्लो कंजम्पशन है तो उस केस में पी सिस्टम हम फॉलो करेंगे, ये दोनों सिस्टम को फॉलो करता है, इसलिए इसका नाम है एसएस सिस्टम। ओके, एसएस सिस्टम। ओके, नेक्स्ट थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, डिटर्मिनिस्टिक एंड प्रोबेबिलिस्टिक इन्वेंट्री। अब इसमें समझ लेते हैं क्या होता है, मेन यही है हमारा सिलेबस ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का जो सिलेबस है वो हमारा यही है, डिटर्मिनिस्टिक एंड प्रोबेबिलिस्टिक इन्वेंट्री। ठीक है, डिटर्मिनिस्टिक इन्वेंट्री क्या होता है कि आपका ऑर्डर फिक्स है, टाइम पीरियड फिक्स है, लीड टाइम। ठीक है, डिटर्मिनिस्टिक इन्वेंट्री में क्या है, डिटर्मिनिस्टिक इन्वेंट्री में डिमांड रेट, कितना डिमांड का रेट होगा वो फिक्स रहेगा, एंड लीड टाइम, लीड टाइम क्या है जिसकी कितने टाइम में आपके पास ऑर्डर आ जाएगा, डिमांड रेट एंड लीड टाइम इज कॉन्स्टेंट। अगर आप डिमांड रेट और लीड टाइम दोनों कॉन्स्टेंट है, मतलब कितना डिमांड है वो भी फिक्स रहता है आपका, और लीड टाइम मतलब कितने टाइम में आपके पास ऑर्डर आ जाता है वो भी फिक्स है, तो अगर ऐसा केस है तो उस केस में क्या होगा, आपको रीऑर्डर, सॉरी आपको सेफ्टी स्टॉक की जरूरत नहीं पड़ेगी उस केस में, राइट। तो यहाँ पे क्या है, सेफ्टी स्टॉक इज नॉट रिक्वायर्ड, ओके। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिस्टिक इन्वेंट्री, इसमें क्या होगा, आइदर डिमांड रेट, या तो डिमांड रेट या फिर लीड टाइम, और मे बी बोथ, ये भी कंडीशन होती है, दोनों ही मे बी बोथ आर नॉट कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट ना हो। अगर डिमांड रेट है, कभी डिमांड 100 यूनिट की आ गई, कभी 200 यूनिट की आ गई, कभी 150 यूनिट की आ गई, तो डिमांड रेट फिक्स नहीं है। लीड टाइम, कभी दो दिन में आपके पास ऑर्डर आ जाता है, कभी तीन दिन में ऑर्डर आ जाता है, कभी एक दिन में ही ऑर्डर आ जाता है, तो ये दोनों ही चीजें आपकी वेरी कर रही है, तो इस केस में हम क्या यूज करते हैं, प्रोबेबिलिस्टिक इन्वेंट्री। अब ऐसे केस में क्या है, आपका डिमांड रेट 100 यूनिट से 200 यूनिट हो गया, ठीक है, और आपने इन्वेंट्री आपने तो 100 यूनिट के हिसाब से रख रखी थी, तो अब क्या होगा, आपकी मशीन बंद हो जाएगी, जो कि आप नहीं चाहते। तो इस केस में आपको क्या है कि आपको सेफ्टी स्टॉक रखना पड़ेगा अपने पास, ठीक है, तो सेफ्टी स्टॉक इज रिक्वायर्ड इन दिस केस। यहाँ तक क्लियर हो गया, आपने कैरेक्टरिस्टिक भी समझ ली, ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, इसके आगे हम कौन कौन से मॉडल होंगे, डिटर्मिनिस्टिक इन्वेंट्री में कौन कौन से मॉडल है, प्रोबेबिलिस्टिक इन्वेंट्री में कौन कौन से मॉडल है, वो हम नेक्स्ट क्लास में इसको समझेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है, थैंक यू।